भोपाल की जेल खूंखार आतंकियों में फुल हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता से ज्यादा हुए आतंकी। 1.5 करोड़ में बनेगी नई सेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल आतंकियों से भर चुकी है। आतंकियों की तादाद यहां इतनी हो चुकी है कि सेल छोटी पड़ने लगी है। अब जेल में 12 नई हाई सिक्योरिटी सेल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 1.5 करोड़ का बजट पारित हो चुका है। आचार संहिता खत्म होते ही नई सेल का निर्माण कार्य शुरू होना है। भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं, जो अलग अलग संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। इसमें स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI के 23, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 21, हिजब उत तहरीर HUT के 17, JMB के 4 और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के 4 आतंकी बंद हैं। इस जेल में हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता 58 है। वर्तमान में 69 आतंकियों को रखा है। हर रोज 3.5 घंटे निकाला जाता है बाहर। भोपाल जेल में बंद आतंकियों को हर रोज 3.5 घंटे के लिए हाई सिक्योरिटी सेल से बाहर निकाला जाता है, जिससे वह अपने पर्सनल काम जैसे कपड़े सुखाने, धूप लेना, टहलना आदि कर सकें। इन आतंकियों को बाहर निकालने के बाद निगरानी में रखा जाता है। हर आतंकी पर नजरें रखने की जिम्मेदारी 2 प्रहरियों की होती है। आतंकियों को सुबह 2.5 घंटा जबकि शाम में 1 घंटा बाहर निकाला जाता है। उन्हें किसी से बातचीत की इजाज़त नहीं होती। सभी आतंकियों को बाहर निकालने पर भी अलग अलग रखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।